नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए और आप लोगों की जो तबीयत है एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास होगी। आज हम बात करेंगे पार्ट 7 की, और पार्ट 7 किसका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। पार्ट 7 की बात करेंगे और पार्ट 7 में देखेंगे कन्वर्जन, और कन्वर्जन किस चीज का देखेंगे, डेसिमल इंटू बाइनरी, डेसिमल इंटू ऑक्टल एंड डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल। ये सब कैसे करते हैं हम इसका कन्वर्जन डेसिमल का। डेसिमल का बेस कितना होता है, डेसिमल का बेस होता है 10। जिसको भी याद नहीं है, सब जो भी इसी वीडियो में आया है तो पहले वो जाकर देखे उस वीडियो को, जो प्लेलिस्ट में जाए और नंबर सिस्टम जहां से स्टार्ट हो रहा है रेगुलरिटी में वीडियो देखे, तब यहां पे पहुंचे। ये पार्ट नंबर 7 है, ठीक है, 5, 6, 7। ये पार्ट नंबर कौन सा है, 7 है, और आज हम मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं और मस्ती के साथ हर एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। नाउ बात करें हम किस चीज की, सर डेसिमल का बेस हमने अभी बताया आपने कि डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है, और बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। यानी क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो मैंने आपको क्या बताया, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है यानी कि क्वेश्चन लिखा होगा, उसको राइट हैंड साइड में जो लिखा होता है उसको चेंज करना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो बताओ भैया, यहां पर कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, सर आपके क्वेश्चन कैसे दे रखा होगा, जैसे कि क्वेश्चन में कोई भी ले लेता हूं, मैंने ले लिया 198, जो डेसिमल में लिख रहा है इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बताओ सर ये कैसे होगा। भैया एलसीएम तो आप सभी ने स्टार्टिंग से लिया होगा, वही काम करना है, बस ये क्या है बेस, ये बाइनरी का बेस है तो इससे ही डिवाइड होगा। किस चीज का डिवाइड होगा, जो अंदर जो लिखा है, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 198 का डिवाइडेशन किससे होगा, जो यहाँ पे बाइनरी दे रखा हो, जहां ऑक्टल दे रखा हो या हेक्साडेसिमल दे रखा होगा, यानी कि 8 दे रखा होगा, यानी कि ऑक्टल, यानी कि 8 यहाँ पे लिखेंगे तब इसका क्या होगा, डिवाइड होगा। नाउ बात करें हम किस चीज की, हम 2 से करना है। सर कैसे करेंगे, आप लोगों ने डिवाइड तो अच्छी तरह से करा है, यहाँ क्वासेंट मतलब जो भी, जैसे 198 ले लो, इसका 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो 2 से हमने डिवाइड करा तो भैया कितना हुआ, 2 9 18 हो गए, 1 यहाँ पे आया, यानी कि जो बचा 9 में से 8 गया तो 1 बचा, यहाँ पे 8 इसको एज इट इज उतार दिया, 2 9 क्या हो गया, 18 हो गया, ठीक है। यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया भैया, 0 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया भैया, 0 आ गया। तो आप बताओ ये हमारा क्या है, क्वासेंट है, क्या है क्वेश्चन, ये क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, 0। जो रिमाइंडर आता है ना वो यहां लिखते हैं, और जो क्वेश्चन आता है वो यहां लिखते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली इसमें भी कर सकते हो ऐसे काम, इतना नहीं करके इस, अब जो बचा ये वाली जो डिजिट बची वो दोबारा से उतारो 99, और वो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ऐसा लंबा प्रोसेस होता है, इसीलिए फॉर्मेट बनाया गया एलसीएम लेके, आप तुरंत कर सकते हो, एलसीएम टाइप का ये है, ठीक है ना। कैसे करेंगे सर, देखो अब मैंने बोला आपसे कितना बचा, ये 99 बचा, ठीक है भैया ये हो गया 99, 2 4 से कितने होते हैं 8, यहां पे कितना बचा, ये कितना हो गया 19 हो गया, क्योंकि एक इसमें से ही बचा है, 2 4 से 8 होते हैं तो 19, 2 9 से कितने होते हैं, 2 9 से 18 होते हैं, ठीक है 18 होते हैं, कितना बचा रिमाइंडर, 1 बचा रिमाइंडर, सिंपल एज दैट। कितना बचा, 2 2 से कितने होते हैं, 4 होते हैं, यहां पर एक मतलब 2 4 से कितने हो गए, 8 हो गए, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, दिक्कत कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 2 1 जा कितने होते, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा, 0, रिमाइंडर कितना बचा, 0, 2 6 जा कितने होते, 12, रिमाइंडर कितना बचा, 0 है। मजेदार, बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा बाहर की वॉइस को, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाओ, ठीक है। 2 3 जा 6, ये रिमाइंडर कितना बचा, 0, 2 1 जा कितने बचा, 2 1 जा हो गया 2, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे सर, तो आंसर ऐसे लिखेंगे, यहां से लेंगे 1 1 0 0 0 0 1 1 0, यानी कि 1 1 0 0 0 1 1 0, ये आ गया आपको बाइनरी में। और बाइनरी में मैंने आपको बताया था कि 2 ही नंबर आते हैं, कौन कौन से नंबर आते हैं, एक आता है 1 और एक आता है 0, 0 या 1, ठीक है, यही 2 नंबर आते हैं किसमें, बाइनरी में, इसीलिए इसका कितना बेस होता है, 2 बेस होता है। तो हमारा चेंज हो चुका है किसमें, बाइनरी टू वो डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। आई थिंक कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा, उनके लिए मैं डिवाइड करके दिखाता हूं स्टार्टिंग से, ठीक है। डिवाइड कैसे करते हैं ये लिखा रहने देता हूं मैं, ये क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा, मैं ऊपर से डिवाइड करके लेके आता हूं, ठीक है, जो बच्चों के समझ में, देखो बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, इसीलिए वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। 198 इसको 2 से डिवाइड करना है। अब बताओ 2 9 कितने होते हैं, 2 9 होते हैं 18, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, ये आ गया 18, यानी कि 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 8 का 8 यहां से डाल दिया, ठीक है।
9 कितना हो गया भैया 18 हो गया, रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर कितना बचा 0, ठीक कोई दिक्कत। अब जो बचा क्वासेंट वो दोबारा से अंदर लिख लो 99, किससे करना है 2 से करना है, 2 4 से कितने होते हैं 8 होते हैं, यह हो गया 1 और ये 9, 2 9 से कितने होते हैं 18 होते हैं सर, ये कितने बचे रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 बच गया कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया 49, अब ये 49 यहां पे उतार लो, और ये 2 आ गया, 2 2 से कितना हो गया 4 हो गया, ये उतार 9 कितना हो गया 2 4 जा 8 हो गया, कितना बचे रिमाइंडर 1, कोई दिक्कत। देखो वही सब चलेगा यार, 24 बचा, अभी 24 को यहां पे कर लिया ठीक है, 2 1 से कितने बचे 2, कहना 4 यहां पे उतार लिया, 2 2 से कितना बचा 4, कोई दिक्कत। रिमाइंडर कितने बचा 0, रिमाइंडर कितने बचा 0। अब देखो बिल्कुल चलते आ रहे हैं हम प्रोसेस से, अब यहां पे कितने बचे 12, तो 12 अंदर आ रहा, 2 6 से कितना हो गया 12 हो गया, रिमाइंडर बचा 0 कोई दिक्कत। अब ये आ गया 6, 6 अंदर लिखा, 2 3 से कितने हो गए 6 हो गए, खत्म 0, यानी कि कितने बचा 0 लिखा था, 3 लिख लेंगे, 2 1 जा कितने होते 2, और यहां पे कितने बचा 1। तो अब क्या करेंगे हम लोग लास्ट वाली जो जैसे, अब देखो 1 बचा, 2 से तो क्या है छोटा है ना 1, तो यहीं पे लास्ट हो जाएंगे ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में क्या आएगा 1 1 0 0 0 1 1 0, वही आंसर है देखो 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0, ठीक है 1 1 0 आंसर आ गया ये ठीक है। आप देखो ये वाला करोगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस बैठेगा, अगर एक एलसीएम लिख के करोगे तो बहुत परफेक्टली यही आंसर आ जाएगा ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपने अटेंटिव माइंड से करना है, आज शोर ज्यादा हो रहा है सॉरी उसके लिए। अब हम लेते हैं किस चीज का, ऑक्टल वाले का, किस चीज का लिखते हैं ऑक्टल वाले का नंबर लेते हैं। अब हमें कन्वर्ट करना है, जैसे कि कन्वर्ट करना है 798, ये हमारा डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में ठीक है जी। अब ऑक्टल में करने के लिए क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम, यहां पर जब 2 लिखा था यहां पर 8 लिख लेंगे और 798 एज इट इज उतार देंगे, देन उसके बाद क्या होगा आप खुद बताइए कितना होगा, है ना 8 8 6 से कितने होते हैं वो 8 9 से कितने होते हैं 72, 8 9 से कितने होते 72 होते कि नहीं होते, देन उसके मैं बात करूं 72 में से कितना कैरी मतलब कितना बच गया, तो आप कितने बचेंगे 7 बच गया, कितना बच गया 79 में से हमने 72 तो आता था, 8 9 जा कितने होते हैं 8 9 से 72 होते हैं, यहां पे कितना बच गया 7 बच गया है ना, तो 7 यहां बच गया 78 हो गया, दोबारा 78 हो गया यानी कि 9 जा 72 ठीक है। अब यहां पे कितना 78 में से 72 माइनस करा कितने बचेगा 6 बचेंगे, कितना बचेगा 6 बचेगा रिमाइंडर का, तो जो रिमाइंडर कहां आता था हमारा यहां पे आता था, सिंपल एज दैट। अब 8 से करेंगे, 8 1 जा कितने होता है 8 होता है, 1 इधर चला गया, 1 इधर चला गया 19 हो गया, 8 2 से कितने होते हैं 16 होते हैं, 16 17 18 19 कितना रिमाइंडर बचा 3 रिमाइंडर बचा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है ठीक है। 8 1 जा कितने होते हैं 8 8 9 10 11 12, कितना रिमाइंडर बचा 4 बचा ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 1 4 3 6, आपका किसमें आ गया ऑक्टल में आ गया, सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताओ, हमसे संपर्क करो कोई दिक्कत हो। अब इसको थोड़ा सा मैं जिस बच्चों के समझ में नहीं आया सर आपने करका दो तो लो भैया ठीक है भैया 8 8 9 कितने होते हैं 8 9 72 होते हैं, कितना बचा 7 बचा, यहां पे आ गया 8, अब 8 9 क्या होता है 72 हो गया ठीक है, कितना बचा भैया 6 ठीक है, 6 रिमाइंडर आ गया हमारा, कितना था 99 था, 8 बन जा 8 हो गए, कितना बचा 9, 8 2 जा 16 हो गए, कितना बचा 3 12 लिख दिया, 8 बन जा 8 कितना बचा 4 ठीक है 4 बच गया ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया 4 बच गया। अब हम लिखते कैसे हैं, यहां से लिखते हैं 1 4 3 6, ये आपके क्या आ गया जो रिमाइंडर है वो ले लिया, बस लास्ट वाले का क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल एज दैट 1 4 1 4 3 6, ये किस में आ गया ऑक्टल में आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो लाइक करना कमेंट करना, सर कोई परेशानी हो तो लाइक क्यों करें, हम कमेंट करेंगे ना, तो पूछो बच्चा। अगर कोई भी दिक्कत अभी भी आ रही है ऑक्टल वाले में भी, यानी कि डेसिमल इनटू बाइनरी और डेसिमल इनटू ऑक्टल एंड डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल में भी कोई दिक्कत आ रही है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके कमेंट करो, क्वेश्चन पूछो, कुछ भी करो, वहीं पे लड़ो। अब मैं बात करूं किस चीज की, अब हेक्साडेसिमल, सर हेक्साडेसिमल का बेस कितना था 16 था, कितना था 16 था
198 वही ले लेते हैं ना, ये वन दे रखा है डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है हमें किस चीज में कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। अब मैं बात करूं किस चीज की, अब बात करूं मैं किस चीज की, अब मैं बात करूं किस चीज की, 16 ठीक है, ये है 798। 16 क्यों लिखा सर, क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है, ठीक है। अब तो बात समझ में आ गई होगी सबकी, अब 16 की टेबल में किसी को याद नहीं होगी, है ना, याद है कि नहीं, मुझे भी याद नहीं है यार, सब चीज याद है मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ 16 मंजा 16, 16 फोर जा कितने होते हैं भैया, 16 फोर जा 64, यानी कि 4 जा 64, 79 में से 64 गया तो कितना हो गया, 9 में से 4 गया तो करके दिखाना पड़ता है, 9 में से 4 गया तो 3, 4, 5 कितना बचा, 5, 7 में से कितना 1, यहाँ कितना बचा 1, 5 ठीक है, यहाँ कितने बचा 15 बचा, और 15 इसमें ऐड होने जाएगा यानी कि 158। क्या कोई डिजिट है जो 150 की रेंज में आती हो, हाँ सर कौन सी, 16 9 जा कितने होते हैं, 16 9 जा 144 होते हैं, कितने होते हैं 144 होते हैं, 8 में से 4 गया था 4 बचा 1 बच गया, ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया 14 बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया 14 बच गया, बच गया कि नहीं, गलत बता रहे हो सर, बता रहे हो गलत, नहीं ये हेक्साडेसिमल में है, क्या है हेक्साडेसिमल में, मैंने आपको बताया था ये हेक्साडेसिमल में कितनी डिजिट होंगी, कितनी डिजिट होंगी बताओ जल्दी, 15 डिजिट होंगी, जिसमें कि 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक 16 क्या होगा इसमें डिजिट, 0 से 9 तक कहां तक जाते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल बेस में लिखते हैं, और आपको बताओ 10 से लेके हम 15 तक कहां लिखते हैं, अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल में लिखते हैं ना, ABCD, तो 14 हमारा क्या था, ई था, क्या था, ई था, तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, यानी कि ई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है, चलो अब ये कितना आ गया 14, यहाँ गया 16, 16 बन जाए 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, ठीक है, 16 3 जा 48, कितना रिमाइंडर बचा 1, कितना रिमाइंडर बचा 1, तो हम क्या लिखेंगे 31E, 31E किस में चेंज हो गया, ये हेक्साडेसिमल में, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो हमें बताओ आप, किसी बच्चे को समझ में आया, किसी बच्चे के समझ में आया, एनीवन एल्स, ठीक है दोबारा बताते हैं, ठीक है ये दोबारा बताते हैं, हमने क्या करा, 16 फोर जा कितने होते हैं भैया, 16 फोर जा आपके कितने होते हैं 64 होते हैं, 79 में 64 माइनस करा 150 मतलब 115 बचा, देन हमारे पास 8 था तो 8 ऐड ऑन कर दिया इसमें, अब बताओ 69 में कितने होते हैं, 69 जब 144 होते हैं तो 69 में जब 114 यानी कि इसमें से माइनस कर दो कितना बचा 14, और 14 का डिजिट कहां पर लाई करता है, हेक्साडेसिमल में, तो ई करता है, देखो यहां पे रहा क्या 10 9 10 11 12 13 14 कितना है ई है, ई लिख दिया, इसके आगे क्या लिख दिया, ई लिख दिया, 16 16, अब देखो 16 3 का कितने होते हैं, 16 में 16, 16 2 का 32, 16 3 से 48, कितने 48 होते हैं, यानी कि 1 रिमाइंडर बचा 31E, इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया, अभी मैं बच्चों को डांट के आता हूं, मतलब शोर ज्यादा मचा रहे हैं इसीलिए थोड़ी सी आवाज वॉइस कम कर लें, चलो बच्चा देखो शांत हो गए, थोड़े थोड़े शांत हो गए, डरते हैं भाई साहब हमसे भी, कोई नहीं डरता आज के जमाने में, तुम तो डरते नहीं हो, वो डरेंगे तुमसे हमसे, है ना सर, अब क्या बताने वाले हो, अब देखो यार तुम्हारे पॉइंट में भी आएंगे कुछ, यानी कि अब आपके पास आ जाए 0.625, ये आपका आ जाए किस चीज में, डेसिमल में, और ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है सर, इसका हम क्या करेंगे, इसका एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट देखना, ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीजर नंबर और दूसरा होता है आपका फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है, एक होता है इंटीजर पार्ट, यार इस चीज को ना बहुत अच्छे से पढ़ना, इंटीजर पार्ट और एक होता है फ्रैक्शन पार्ट, सर ये क्या बता रहे हो, हमारे कुछ पढ़ ले नहीं पड़ रहा, अब बस अभी देखते जाओ क्या होने वाला है, ठीक है, एक होता है हमारा इंटीजर पार्ट, एक होता है हमारा फ्रैक्शन पार्ट, अब हम क्या करने वाले हैं सर, कुछ भी नहीं करने वाले, आप देखो अब ये 0.625 लिख रहा है ना, 0.625 एज इट इज उतारो, किस किस में चेंज करना है, बाइनरी में, इसका अब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा सर, मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है बीकॉम थर्ड ईयर में, तो हम कैलकुलेटर का बकायदा यूज करेंगे, 0.625 ठीक है इंटू 2 से करेंगे तो कितना आ गया, इसमें आ गया 1.25,
1.25। अब ये मैंने जो पार्ट लिखे हुए हैं, यानी कि अब जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, यानी कि फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो लिखेंगे इस साइड, जो इंटीजर वाला पार्ट है वो लिखेंगे इस साइड, यानी कि 1 यहाँ लिखेंगे और 0.25 यहाँ लिखेंगे। लिखो लिखो मत लिखो। अब ये 0.25 जो बचा ना, वो 0.25 दोबारा से मल्टीप्लाई होगा 2 से, है ना। अब 0.25 इंटू 2 कर दिया दोबारा से, तो क्या बचा 0.5। ये क्या बचा 0.5, 0.5। अब देखो यहीं तक का इंतजार कर नहीं करना हमें, यहां पर है ना 0 आना चाहिए, तब जाके हम एंड करेंगे। यहां कितना बचा 0.5, यहां कितना बचा 0.5 इंटू 2 करेंगे, 0.5 इंटू 2 कर देंगे तो कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1 बच जाएगा खाली, यानी कि 1.00 हो जाएगा, यानी कि 0.00 हो चुका है 1.00, यानी कि अब एंड हो गया। यानी कि इसका सर आंसर क्या आएगा, तो सर इसका आंसर आपका आएगा 0.0.101, यानी कि ये डाल लेंगे, ये इसी में तो था, अभी किसमें चेंज हो गया, ये बाइनरी में चेंज हो गया, कोई दिक्कत। अगर सर ऑक्टल में चेंज करना होता तो क्या करते हम, 8 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, सिंपल एज दैट, बिल्कुल वही पैटर्न 8 से मल्टीप्लाई करते। सर करके दिखा दो, ऐसे तो सर आप ऐसे घुमा रहे हो हमें, हैं नहीं भैया घुमा खा ही रहे, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन कोई ढंग का सा मिल जाए आपके लिए। देखो भैया पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट अरे यार 0.15, एक तो इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है 625, ये डेसिमल में है, इसको चेंज करना है हमें ऑक्टल में, ठीक है। अब इसे ऑक्टल में चेंज करना है, अब वही पार्ट करना है, एक इंटीजर पार्ट होता है, एक कितना फ्रैक्शन पार्ट होता है, ठीक है। फ्रैक्शन वाला पार्ट में क्या है, पॉइंट के बाद वाली संख्या जाती है, इंटीजर पार्ट में जो बच जाता है, यानी कि हमने लिखा 0.15625, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 8 से होगा 2 से होगा, 8 पे होगा, क्योंकि हम इसमें ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं, तो वही सिंपल एज दैट क्या करेंगे 0.15625 इंटू 8, इंटू 8 कर दिया, कितना 1.25 आ गया, कितना आ गया 1.25 आ गया। दोबारा करके देखें, गलत आ रहा है यार, 0.15625 इंटू 8 1.25 कितना आ गया 1.25 आ गया। हाँ मम्मी आ गई थी, सॉरी मम्मी आवाज दे रही थी, थोड़ा सा मेरे घर का नाम है ना, किसी को पता नहीं अभी। हाँ तो ये हम कहाँ थे, 1.25 आ गया, कितना आ गया 1.25 आ गया, तो यार 1.25 आ गया, तो 1 यहाँ चला जाएगा 0.25 इधर चला जाएगा, कितना बचा 0.25 इंटू 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 2.00 हो गया, यानी कि 2 आ गया 0.00, यानी कि खत्म। खत्म हो गया कि नहीं हो गया खत्म, आप ही बताओ क्या करने थे, ये करना था 0.12, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही हम क्या कर देंगे 16 का कर देंगे, 16 यानी कि 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई भी डिजिट हो नंबर से हम डिजिट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में नहीं आया हो तो टेलीग्राम पे मेरे को मिल जाना, लिंक दे रखा है आपको ग्रुप का, बीकॉम थर्ड ईयर, आप जुड़ जाना। जितना भी कॉन्सेप्ट है आई होप बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझाया, समझ में आया होगा, एक एक चीज अच्छे से समझाइए, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। बाहर वाले एलिमेंट हैं कुछ, हाइड्रोजन हीलियम ये सब डोल रहे हैं, पीछे घूम रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बच्चे यार थोड़ा सा नाराज मत होना, आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, चलते हैं फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।